हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एम आर के ट्रीटमेंट पे तो दोस्तों उससे पहले जान लेंगे कि एम है क्या मैथिसलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को शॉर्ट में एम बोला जाता है यानी जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पैथोजेनिक बैक्टीरिया है इसकी कुछ स्ट्रेन्स मैथिसिन ड्रग जो आपकी मैथिसलिन ग्रुप की ड्रग्स होती हैं एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके लिए रेसिस्टिविटी गेन कर लेते हैं जैसे आपके पेनिसिलिन है या सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की ड्रग्स हैं उनके लिए जो स्टेफेलोकोकस ऑरियस की स्ट्रेन्स रेसिस्टिविटी गेन कर लेते हैं उनको बोलते हैं एम तो दोस्तों ये एम आर एस कैसे डेवलप होता है इस पर फुल वीडियो लेक्चर मैंने अपने चैनल पे पहले ही अपलोड किया हुआ है अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसके लिंक को मैंने शेयर किया हुआ है आप जाके देख सकते हैं थोड़ा सा यहां पे भी मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो एम आर एस ए है वो दो मैकेनिज्म से डेवलप होता है एक तो बाय द प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टमेज या इसको बोलते हैं पेनिसिलिनेज एंजाइम दोस्तों जो मैथिसलिन ग्रुप की जो ड्रग्स होती हैं या पेनिसिलिन ग्रुप की या सिफेलोस्पोरिंग ग्रुप की जो ड्रग्स होती हैं उनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है जब आप उनका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है यही बीटा लैक्टम रिंग सेल्वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करती है लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेफेलोकोकस और इसकी जो कुछ स्ट्रेन्स हैं वो क्या कर रही हैं वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम का प्रोडक्शन कर रही है जो एंजाइम इस बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेकडाउन कर देता है जिससे ये क्या कर देता है ये उस ड्रग के लिए रेसिस्टेंट हो जाता है यानी कि उस ड्रग का इस बैक्टीरिया पे फिर कोई असर नहीं पड़ता तो एक तो ये मैकेनिज्म है और ये जो बीटा लैक्टम लैक्टमेज का जो प्रोडक्शन है ये प्लाज्मिट कोडेड होता है Got it? और इस रेसिस्टिविटी को आप ओवरकम कर सकते हैं यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है कि बीटा लैक्टमेज इन्विटर्स को आप यूज कर सकते हैं पेनिसिलिन ग्रुप के ड्रग्स दीजिए और उनके साथ आप बीटा लेक्टेमेज इनिविटर्स को आप ऐड कर सकते हैं जैसे क्लैवलैनिक एसिड है या सल्बेक्टम इस तरह के जो बीटा लेक्टेमेज इनिविटर्स हैं उनको आप यूज करके इस रेसिस्टिविटी को खत्म कर सकते हैं दूसरा जो मैकेनिज्म है बाई अल्टरनेशन ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन टू पी बी पी टू इसके अल्टरनेशन की वजह से क्या होता है कि ये रेसिस्टिविटी गेन कर लेता है इट इज मेडिटेड बाई क्रोमोजोमली कोडेड जीन मैक ए जीन की वजह से ये सब होता है और ये मैके जीन क्या है ये एस सी सी मैक का ही एक पार्ट है यानी कि स्टेफेलोकोकल कैसेट क्रोमोजोम मैक का ये एक पार्ट है जिसका जब एक्सप्रेशन होता है यानी कि इस मैके जीन का जब एक्सप्रेशन होता है तो ये नॉर्मल जो पी बी पी टू होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं इनको अल्टर करके पी बी पी टू ए में कन्वर्ट कर देता है जिससे क्या होता है कि जो आपके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन एक्सेप्टर्स हैं यानी कि जो बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं बैक्टीरिया पे जो बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं पेनिसिलिन के लिए जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनका अल्टरनेशन हो जाता है तो जिससे जो मैथिसलिन है यानी कि जो ड्रग है वो आपकी उस सेल वॉल पे बाइंड नहीं हो पाती सेल वॉल पे बाइंड नहीं हो पाती तो जिससे रेसिस्टिविटी गेन हो जाती है तो इस पर फुल वीडियो लेक्चर मैंने बनाया हुआ है आप जाके डिस्क्रिप्शन पर उसके लिंक को जाके आप देख सकते हैं कि कैसे ये मैकेनिज्म होता है तो आइए बात कर लेते हैं कि जब आपकी मेथिसिलिन ग्रुप की जो ड्रग्स हैं वो रजिस्ट शो करते हैं तो किस तरह से कौन सी एंटीबायोटिक्स से आप उस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं तो उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स हैं जैसे सबसे पहला जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ वेंकोमाइसिन वेंकोमाइसिन को आप देखें वैंकोमाइसिन एक ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है जो कि पैप्टीडोग्लाइकन लेयर के सिंथेसिस को इनिबिट करती है यानी कि बैक्टीरियल सेलवॉल प्रोडक्शन को सेल्वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करने वाली ये ड्रग्स होती हैं वैंकोमाइसिन तो इसके अलावा जो भी आपको अल्टरनेट ड्रग्स यूज करनी है एम के, एस के केस में तो विदाउट ए के आप उसको यूज नहीं कर सकते यानी कि एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग नेसेसरी है अल्टरनेटिव ड्रग्स uh, को यूज करने से पहले तो ये अल्टरनेटिव ड्रग्स कौन सी हैं जैसे सल्फा मेथोक्साजोल थ ट्राइमेथोप्रीम सल्फोमेथोक्साजॉल जब भी आप यूज करेंगे वो ट्राई मेथोप्रीम के कॉम्बिनेशन में ही यूज होगी यानी कि दोनों ड्रग्स कॉम्बिनेशन में ही यूज किए ये दोनों ड्रग्स क्या करती हैं बैक्टीरिया में डाईहाइड्रोफोलिक एसिड डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के प्रोडक्शन को के सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं जिससे क्या होता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस भी आपका इनिबिट हो जाता है दूसरी ड्रग है क्लिंडामाइसिन क्लिडामाइसिन ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करने वाली ड्रग्स हैं और डेप्टोमाइसिन डेप्टोमाइसिन भी ये आपकी वॉल सिंथेसिस को इनिवेट करती है टीको भी भी सेलवॉल सिंथेसिस को इनिवेट करती है टेडिजोलिड टेडिडजोलिस ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनोवेट करने वाली ड्रग इसके अलावा लिनिजोलिड है लिनिजोलिड भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनोवेट करती है डॉक्सीसाइक्लिन मिनोसाइक्लिन, ओमेडोसाइक्लिन ये सारी ड्रग्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिवेट करने वाली ड्रग्स हैं गॉट इट इसके बाद डेल डेल ये क्विनोलॉन ग्रुप की फोर्थ जनरेशन की ड्रग है जो क्या करती है जो डीएनए एक्टिविटी को इनिविट करती है गॉट इट बैक्टीरिया के डीएनए एक्टिविटी को इनिविट करने वाली ये ड्रग है और नेजल कैरियर के, के केस में म्यूपिरोसिन टू परसेंट म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट यूज किया जाता है म्यूपिरोसिन का जो ट्रेड नेम है बैक्ट्रोबैन करके भी ये ऑइंटमेंट आपका मार्केट में अवेलेबल होता है तो नेजल कैरियर्स के केस में स्पेशली हॉस्पिटल्स में नेजल कैरियर्स एम के प्रेजेंट होते हैं जो हॉस्पिटल स्टाफ होता है हॉस्पिटल वर्कर्स जो होते हैं वो नेजल कैरियर्स होते हैं एम के लिए तो उनके लिए म्यूपिरोसिन या इसको बोलते हैं बैक्ट्रोबैन टू परसेंट ऑइंटमेंट यूज किया जाता है दोस्तों वैसे तो बीटा लैक्टम ड्रग्स जितनी भी आपकी ऑल बीटा लैक्टम ड्रग्स शुड बी एवॉयडेड बीटा लैक्टम ग्रुप की जितनी भी ड्रग्स हैं उनको आप आपको क्या करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए एम आर एस ए केस में लेकिन फिफ्थ जनरेशन की कुछ ऐसी फिफ्थ शिफेलो ग्रुप की फिफ्थ जनरेशन की कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं एम आर एस ए केस में जैसे एग्जांपल के लिए क्या है सेफ्टो और सेफ्टी ब्यूटेन को आप यूज कर सकते हैं टू ट्रीट एम आर एस ए केसेस अब बात कर लेते हैं कंट्रोल मेजर्स की यानी कि आप प्रिवेंशन कैसे करेंगे एमआरएसए दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो है, जो एमआरएसए होती है, होती हैं हैं ऑरियस की वो ज्यादातर हॉस्पिटल्स में डेवलप होती हैं हॉस्पिटल जो वर्कर्स होते हैं हॉस्पिटल्स का जो स्टाफ होता है उनमें ज्यादातर ये वो उसके लिए कैरियर होते हैं गॉट इट और वहां पे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में एमआरएसए केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं तो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में कैसे इसके स्प्रेड को हॉस्पिटल्स में कैसे इसके स्प्रेड को इसके फैलाव को आपको कैसे रोकना है उसके लिए कुछ कंट्रोल मेजर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जैसे प्रॉपर हैंड वॉशिंग आपको करनी है प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है हैंड वॉश आपको यूज करना है सोप आप यूज कर सकते हैं या सैनिटाइजर आप यूज कर सकते हैं प्रॉपर हैंड वॉशिंग उससे आपको करनी है क्लीन यूअर बॉडी रेगुलरली आप रोज नहाएं सोप से नहाएं इट और अपने आपको क्लीन रखे स्पेशली आफ्टर एक्सरसाइज एक्सरसाइज के बाद ज्यादातर क्योंकि एक्सरसाइज के बाद क्या होता है कि आपकी स्किन पे स्वेटिंग हो जाती है आपकी जो स्वेट ग्लैंड होती हैं उन, उनका सिक्रेशन से आपकी बॉडी में स्वेटिंग हो जाती है तो स्वेटिंग पे क्या होता है कि उस केस में जितना भी डस्ट पार्टिकल्स आपकी बॉडी में चिपक जाते हैं तो उससे जो डस्ट पार्टिकल्स में जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेजिम्स प्रेजेंट हैं यानी कि स्टेफेलकोकस ऑरियस अगर प्रेजेंट है तो वह आपकी बॉडी पर चिपक जाएगा और कुछ टाइम बाद फिर वही हो सकता है वही स्टेफेलकोकस और यस ऐसे स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाए जो मैथिसिलिन रेसिस्टेंट हो सकता है तो आप ध्यान रहे कि एक्सरसाइज करने के बाद आप नहाएं जरूर अपनी बॉडी को वॉश जरूर करें कीप कट्स स्क्रैप्स एंड क्लीन एंड कवर्ड अंटिल हील्ड कहीं भी अगर आपकी बॉडी में कट लगता है या खरोच आ जाती है स्क्रैप्स आ जाते हैं या वुंड घाव बनता है तो उसको प्रॉपरली आप क्लीन करिए इट ऐसा कोई भी आप डिटर्जेंट सॉरी आप एंटीसेप्टिक आप यूज कर सकते हैं उसकी क्लीनिंग के लिए और उसको कवर रखिए जब तक कि वो हील ना हो जा, जब जाए जब तक कि घाव आपका भर ना जाए अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स सच एज टॉवल रेजर्स इट ऐसे जो आपके पर्सनल जो आपके आइटम्स होते हैं उनकी शेयरिंग को आप अवॉइड करिए उनको शेयर मत करिए जैसे आपका तौलिया है या आपका रेजर है या जो भी आपके क्लोथ्स हैं उनको आप शेयर मत करिए जिससे आप उसकी स्प्रेड को रोक सकते हैं स्क्रीनिंग ऑफ एम आर एस ए कैरियर्स एमंग हॉस्पिटल स्टाफ शुड बी डन वेन दियर इज आउट ट्रैक जब भी इसका प्रकोप होता है तो उस टाइम पे एम आर एस ए कैरियर्स की स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी होता है हॉस्पिटल में तो उसके लिए जो कल्चर मीडिया यूज किया जाता है दैट इज मैनिटोल सॉल्ट अगर विथ ऑक्सासेल मीडिया इज यूज फॉर दिस पर्पज तो इस मैनिकटोल सॉल्ट अगर को क्योंकि ये क्या होता है ये जो मैनिटोल सॉल्ट अगर है वो स्टेफेलोकोस ऑरियस के लिए सेलेक्टिव मीडिया है और उसमें हम ऑक्सासिलिन ऐड कर देंगे क्योंकि ऑक्सासिलीन ड्रग ऐड करने से क्या होगा कि उसमें बैक्टीरिया ज्यादा आपके ग्रो करेंगे क्योंकि ऑक्सा के लिए वो क्या रेसिस्ट होंगे वो हो, हो, हो बैक्टीरिया तो उससे आपको आ, उसका डिटेक्शन हो जाएगा स्टॉपेज ऑफ एंटीबायोटिक मिस यूज एंटीबायोटिक के मिसयूज को क्या करना है उसको रोकना है हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का मिस यूज होता है उसको आपको क्या करना है रोकना है तो उससे भी आप इससे बच सकते देखिए यहां पे कुछ हैंड वॉशिंग के स्टेप्स मेंशन किए गए हैं इसी को आपको फॉलो करना है देखिए कैसे करना है हैंड वॉशिंग आपको सबसे पहले रिंस हैंड हैंड पे आप वाटर लीजिए सेकंड स्टेप में सोप या जो भी हैंड वॉश का आप यूज कर रहे हैं उसको उसको यूज करिए फिर पाम टू पाम रबिंग करिए जैसे पिक्चर में दिखाया गया है उसके बाद फिंगर इंटरलेसेस पे आप रबिंग करिए देन बैक टू हैंड्स यानी कि बैक टू पाम आप कह सकते हैं बेस ऑफ थम इस तरह से रब करिए थम को एंड फिंगर नेल्स स्क्रैपिंग करिए फिंगर नेल से और देन फिर रिस्ट को वॉश करिए इस तरह से आप हैंड वॉश या सोप को आप रब करिए देन फिर वॉश करने के लिए वाटर से वॉश करने के लिए भी इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा और कुछ हेल्थ टिप्स यहाँ पे दिए हुए हैं अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स लाइक टूथब्रश रेजर ऑटाउल विद अदर्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ये आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों अगर आप एंटीबायोटिक्स को यूज़ नहीं करना चाहते हैं यानी कि एंटीबायोटिक के इंटेक्स से अगर आप बचना चाहते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक्स के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी होते हैं तो अगर आप एंटीबायोटिक्स से बचना चाहते हैं एंटीबायोटिक्स को इंटेक नहीं करना चाहते तो घर पर भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं कुछ होम रेमेडीज यूज करके कुछ कुछ ऐसे आइटम्स यूज करके जो इस बैक्टीरिया के स्प्रेड को या इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से आपको बचा सकते हैं जैसे सबसे पहला जो आपका होम रेमेडीज है वो है एप्पल साइडर विनेगर आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है तो जहाँ भी आपके स्किन पे लीजन्स बने हुए हैं स्किन इन्फेक्शन्स आपको हुआ है तो आप एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सिरका एप्पल के सिरके को आप यूज करिए उस जगह पर अप्लाई करिए जिससे आप आपको आराम मिल सकता है आ, क्योंकि कुछ स्टडीज में ऐसा पाया गया उसकी उनकी फाइंडिंग्स ऐसी मिली है कि एप्पल साइडर विनेगर भी आपका एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रखता है जिससे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं दूसरा है टी ट्री थाइम एंड पिपरमेंट ऑयल चाय की पत्तियों का या चाय के पेड़ का ऑयल थाइम यानी कि अजवाइन के पत्तियों का ऑयल और पिपरमेंट का ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये थाइम ऑयल है अजवाइन के पेड़ का ऑयल तेल और ये पिपरमेंट ऑयल तो इनको इनमें भी क्या होता है कि इनमें कुछ अल्कोहल्स प्रेजेंट होते हैं टर्पिनॉइड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं या आप कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं तो जो कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रखते हैं तो इन इनके एप्लीकेशन से भी आप इस बैक्टीरिया से बच सकते हैं तीसरा है गार्लिक पेस्ट लहसन का पेस्ट उस पेस्ट को डायरेक्टली स्किन पे आपको यूज नहीं करना है लहसन के पेस्ट को डायरेक्टली स्किन पे यूज नहीं करना है उससे आपको एलर्जी हो सकती है इट तो उसको कैसे यूज़ करना आपको ओलिव ऑयल के साथ जैतून के तेल के साथ उसको उस पेस्ट को आ, मिक्स करके उसको आपको अप्लाई करना है स्किन आ, स्किन लेजेंस पे तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू वेरी मच